ओम शांति। मेरे शरीर का नाम शिवानी गुप्ता है। मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जोड़ने वाली हमारी कॉलोनी की एक बहन, वो मुझे राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के लिए लेकर गए। जब मैंने कोर्स किया और उसके बाद ज्ञान सुनना आरंभ किया तो मुझे अपने अंदर परिवर्तन नज़र आया और आत्मा शांत होती गई। जो ढूंढ रही थी वो मिलने लगा, खुशी मिलने लगी, शांति मिलने लगी। जो परेशानी ओवरथिंकिंग की समस्या थी वो ख़त्म हुई। जो रातों को नींद नहीं आती थी ओवरथिंकिंग की वजह से वो भी ख़त्म हुई। सबसे बड़ी बात, बाबा कहते हैं कि ये संस्था, बाबा ने माताओं को ऊपर उठाया है, माताओं के ऊपर कलश रखा है और माताओं अबलाओं को बाबा बहुत ज़्यादा इज्जत मान देते हैं। इसलिए इस ये संस्था माताएं चलाती हैं, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर आकर एक स्लोगन सीखने को मिला। यूँ तो बहुत सारे स्लोगन मिले, लेकिन ना किसी को दुख दो ना किसी का दुख लो। ये तो पता था कि किसी को दुख नहीं देना, पर दुख लेना नहीं है ये भी यहाँ संस्था में आकर पता चला। हम बातों को बड़ी बना देते हैं, बातें बड़ी नहीं होती, लेकिन हम सोच सोच कर उनको बहुत बड़ा बना देते हैं। तो लाइफ को इजी कैसे करना है ये बाबा ने सिखाया। ज्ञान में आकर ये समझ आया कि लाइफ को इजी कर दो और मुझ में बिजी कर दो। मेरा ज्ञान सुनो, व्यर्थ से निकालो। जो हम व्यर्थ में इधर उधर की न्यूज़ बातें सुनते हैं, चुगलियाँ करते थे, वो सब अब ख़त्म हो गया। और बाबा ने व्यर्थ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बाबा का ये स्लोगन कि ना बुरा सोचो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, तीन तो सुने हुए थे, पर सोचना भी बुरा किसी के बारे में नहीं है ये तो संस्था में आकर ही पता चला। और कैसे हम इस पर अपनी मन पर जीत पा सकते हैं, अपना मन में जो हमारी सोच है उसे कैसे बदल सकते हैं। हम अपनी सोच बदलेंगे तो हमारे आसपास रिश्ते बदल जाते हैं, रिश्तों में परिवर्तन हो जाता है, रिश्ते ठीक हो जाते हैं, रिलेशंस अच्छे होने लग जाते हैं, रिलेशन लगने लग जाता है। जो कभी बंधन बन गए थे कि ये रिलेशन क्यों है, वो अब सब संबंध में बन गए, बदल गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं। सब सहयोगी बन गए हैं। जो पहले लगता था कि लोग पसंद ही नहीं करते, जो हर वक्त ऐसे लगता था कि कोई गलती ना हो जाए, मैं गलती करूंगी तो मैं अपने किसी के दिल से उतर जाऊंगी, पर बाबा तो यहाँ पे ये कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे नैनों के नूर हो, मेरे दिल तक नशीन बच्चे हो, मैं तुम सब बच्चों में विशेषताएं देखता हूँ, तो ऐसे ही तुमने भी सब में विशेषताएं देखनी है, अवगुण नहीं देखने। अगर तुम अवगुण देखोगे तो वो कमियां तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगी। तो बाबा हमें हमेशा सबकी विशेषताएं देखने के लिए कहते हैं, और अपनी भी विशेषताएं ही देखनी है और अपनी कमी कमजोरियों को योग अग्नि में स्वाहा करना है और उन्हें एक्सेप्ट करना है कि ये कमज़ोरी है और उसको मैं ख़त्म करके ही रहूँगी। बाबा ने युवाओं को बहुत अच्छा मार्ग बताया है कि अपने समय को व्यर्थ नहीं करना। और ये जो आज के युवा हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो नशे में और व्यसनों से अपने आप को मुक्त करें और इस ज्ञान में, ज्ञान को सुने। जो दुनिया कर रही है उस भेड़चाल में ना रहें कि दुनिया ने ये कर लिया, वो नशे करती है, पर आप लोग जो युवा हैं उनके अंदर इतनी शक्ति है, वो अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं और बाबा का ज्ञान का नशा चढ़ाएं। और बाकियों सबको कहें, और जो अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, जो अपने आप को अबला समझती हैं कि मैं तो घर की बस एक नौकरानी या फिर घर में ही रह सकती हूँ, यहाँ पे घर में रहकर हम अपने आप को कितना ऊंच महान बना सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकती। गृहणियाँ पूरे घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालती हैं, तो अब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। अगर हमारी वाइब्रेशंस ऐसे डाउन रहेंगी तो वो सारी
फैमिली में जाती हैं, तो हमने अपने बच्चों को भी ऊंच उठाना है। बाबा तो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो बाबा के ज्ञान से लाइफ इतनी इजी हो गई है। भक्ति में ये गीत सुना था कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ये गीत को सार्थक होते हुए मैंने बाबा के ज्ञान में आने के बाद ये लगा कि सार्थक ही हो रहा है। मैं तो जैसे उड़ रही हूँ, मेरा काम मुझे पता ही नहीं कैसे हो जाता है, कौन आके इतनी साथ दे जाता है, कब मुझे मेरे सोचने का कार्य भी मेरे लिए मेरे परमपिता परमात्मा शिव करते हैं। मुझे अपनी पहचान मिली कि ये शरीर नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, और आत्मा में 7 गुण होते हैं, ज्ञान, शक्ति, प्रेम, आनंद, ये सब हमारे अंदर भरे हुए हैं। शांति हमारे गले का हार है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं, कहीं घूमने जाने के जाते हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, या फिर कुछ पार्टीज़ कर रहे हैं, उससे हमें अल्पकाल की खुशी तो मिल जाती है, पर जीवन भर हमें खुश कैसे रहना है। ये आर्ट ऑफ लिविंग का सुना था, पर आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग क्या होती है ये तो बाबा ने आके बताया। ज्ञान में आके पता चला कि लिविंग करनी है, पर हैप्पीली कैसे रहना है, खुशी कैसे, खुश कैसे रहना है। खुशी बांटो तो बढ़ेगी, खुद खुश रहेंगे तो सभी हमारे परिवार वाले हम खुश रहेंगे, हमारी वाइब्रेशंस उन तक पहुँचेंगी, और खुशी बांटने से तो बढ़ती है। और हम पहले क्या दूसरों को परिवर्तन करने में लगे रहते थे कि उस वो परिवर्तन हो जाए, वो बदल जाए तो मैं सब ठीक हो जाऊंगी, मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, पर यहाँ पर तो हमें स्वयं को बदलना है। बाबा कहते स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, ये स्लोगन याद रखो बच्चे। दूसरों को मत बदलो, अपनी कमी कमजोरियों को बदलो, उनके ऊपर वर्क करो, पुरुषार्थ करो, और दूसरों को बदलने के बारे में मत सोचो। दूसरों को एक्सेप्ट करो, जैसे भी वो जैसे हैं उनका पार्ट अलग है, आप अपनी यात्रा पर हो, आपको आपका भाग्य अच्छा करना है, और आपके भाग्य से दूसरों का भी सब कल्याण होगा। आप तो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो।